2022 के दिन राखी सावंत की वकील एडवोकेट फाल्गुनी थापर ने ओशिवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी थापर से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी, क्रिमिनल मिस डिमीनर, क्रिमिनल मिस कॉन्डक्ट के तहत। रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी थापर ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी थापर मुझसे माफी मांगती है तो मैं उन्हें माफ करने के बारे में जरूर सोचना चाहूंगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी थापर मुझसे कहती है, शैलेंद्र चोपड़ा, अम्बोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, FIR और बार काउंसिल की शिकायत, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात FIR की तो नहीं हो रही है, तो आप इन दो मुद्दों को क्यों जोड़ रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आप उसके बारे में सोचिए, FIR के बारे में आप बात ना करें मुझसे। और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए FIR को वापस लूं। आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर लूं? तो उसने कहा कि कागज पर ये लिखा है कि मैं शैलेंद्र चोपड़ा आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए FIR को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे, ऐसे कागज पर मैं दस्तखत क्यों करूं? तो उसने बोला, नहीं, इस पर जो धारा लगी है IT Act 67A, ये बहुत ही संगीन है, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव जोर नहीं डाल सकते कि मैं FIR को वापस लूं। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहां उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती हूं क्योंकि जब जाती हूं तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके बाद
जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, FIR आपके खिलाफ दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस FIR को वापस लूँ। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज बनना चाहती हूँ। अरे जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूं कि ये जो आप धमकियां देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शर्लिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत की वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई है। मैंने कहा देखिए ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ, क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आप का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं, अगर आप आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ उसके बारे में सोचिए, आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप विनती, आप माफी मांगिए, आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। जी वो दिखा दीजिए, जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ पुलिस चौकी अंबोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धारा आप देख सकते हैं IPC 354A, IPC 504, IPC 509, IT Act 67A, तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजिबल हैं, IPC 354A, IPC 509, IT Act 67A। चलिए अभी अंदर वो करा दो, यहाँ पर है राखी सावंत का नाम। रुको रुको इला मतला नीचे देख सकते हैं, इधर उधर यहाँ पर ये मिल गया मिल गया। अब आप ये बताइए जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राष्ट्रीय के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राष्ट्रीय के साथ कर रही है।